गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका क्लास एट्थ का एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो जरा, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट, आंसर क्या आएगा आपका, 1/8। व्हाट इज द नंबर? सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, लेट द नंबर, नंबर को कुछ ही मान सकते हैं आप, जो एलजेब्रा में हो, ए से लेकर जेड तक का जो भी होता है तुम्हारा, वो सब क्या कहलाता है, वो एलजेब्रिक कहलाता है आपका, ठीक है। तो हमने लेट द नंबर क्या माना, एक्स मान लिया। अब एक्स मान लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या कहती है आपकी, कि सब्ट्रैक्ट करना नंबर से 1/2, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद करना है मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो रिजल्ट निकल के आया है उसमें बेटा मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, 1/2 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन है तुम्हारी 1/2 मल्टीप्लाइड एक्स माइनस 1/2, रिजल्ट क्या आएगा आपका, 1/8। ये आपकी पूरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन बनने के बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे, देखो जो आपकी लीनियर इक्वेशन है वो सारी इन साइनों पर टिकी हुई है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा आपका, जो मल्टीप्लाई रहेगा और जो डिवाइड रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई। ये चीज़ों पर क्या है, ये डिपेंड है। अब देखो यार, 1/2 यहाँ पर दे रखा है, तो इसको जब इधर ले जाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस तरीके से। 2/1 लिख सकते हैं इसको, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 4 बार, तो क्या निकल के आएगा आपका, एक्स 1/2, और ये आ जाएगा 1/4। अब अगले स्टेप एक्स 1/4, अब ये माइनस का जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों को एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो डिजिट तुम्हारी एलसीएम की क्या आएगी, जो ऐसी डिजिट जो दोनों से कट जाए वो आपका एलसीएम होगा। तो 4 इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 2, तो ये आपका जाएगा एक्स बराबर 3/4। अगला क्वेश्चन देखेंगे उसी एक्सरसाइज का आपका, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। देखो सबसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डायग्राम बना सकते हैं इसका, ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या है कि इसकी एक लेंथ होती है आपकी, एक क्या होती है आपकी, ब्रेथ होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ पहले लेट करेंगे, तो ब्रेथ क्या आपकी, ब्रेथ लिखेंगे तो इसको एक्स मान सकते, एक्स मीटर मान लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा क्वेश्चन में, कि जो लेंथ है आपकी वो क्या है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस। सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले कंडीशन क्या है तुम्हारी, ट्वाइस, हम क्या करते हैं इसका 2x करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 2 मीटर मोर देन, सेकंड कंडीशन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 154, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, सॉरी लिखेंगे अभी ये, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ये आपकी क्या है, ब्रेथ आ जाएगी। अब देखो ना क्या होता है, पैरामीटर बोल रहा है, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा यहाँ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पैरामीटर रेक्टेंगल आपको क्या दे रखा है, 150 मीटर, ठीक है। अब पैरामीटर रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b इक्वल टू 154। अब देखेंगे 2 यहां पर, l क्या हमारा, l हमारा ये, तो यहां रखेंगे 2x + 2, बी हमारा कितना है, ओनली एक्स, यहां 154। सबसे पहले इस 2 को देखेंगे, तो 2 क्या हमारा यहां मल्टीप्लाई में रहेगा, किसका हो जाएगा, डिवाइड का। बच्चे ढंग समझ लें, 2 जो है आपको क्या हो जाएगा, घर जाके ट्रांसफर होकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2x और x कितना होता है, 3x + 2, और ये 154/2, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, 2 7 = 14, 3x + 2 = 17, 7
3x 77 माइनस का, तुम क्योंकि ये प्लस का देखते हो तुम्हारा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 75 डिवाइडेड बाय 3, 3 + 6 = 35 का x हमारा कितना आ गया 25 मीटर। हमने x क्या माना था देखो, यहाँ माना था हमने ब्रिज, तो हमारी ब्रिज जो है वो क्या जाएगी 25 मीटर। और दूसरा लेंथ, लेंथ देखो यार बच्चों कितना 2x + 2, तो लेंथ 2x + 2, तो 2x की वैल्यू 25 + 2, तो 50 + 2 कितना आ जाएगा आपका 52 मीटर, ये आपकी क्या जाएगी लेंथ। इस तरीके से इसकी लेंथ। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका था बेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। आपको इक्वल साइड पता करनी है, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि लेट द साइड, साइड को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, साइड जो तुम्हारी है आइसोस्केल वाली, ठीक है एक्स। अब देखो सबसे पहले आपको समझना होगा आइसोस्केल ट्रायंगल होता क्या, तो आइसोस्केल ट्रायंगल इस तरीके से होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका बेस जो होता है वो अलग होता है लेकिन जो साइड जो होती है वो क्या होती है वो इक्वल होती है। ये एक्स है, ये एक्स है और ये आपका दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका द बेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, और इसमें आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। आप इक्वल साइड निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे ना देखें, सबसे पहले आपको समझना होगा आइसोस्केल ट्रायंगल होता क्या है, कैसा होता है आइसोस्केल ट्रायंगल। स्टूडेंट देखेंगे कि एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से और इसमें देखेंगे कि आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है और इसका बेस जो होता है वो आपका अलग होता है, तो ये एक्स है और ये क्या एक्स, और बेस आपने दे रखा 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द आइसो स्केल साइड, इसे देखेंगे द एक्स। अब देखो आइसोस्केल साइड जो होती है वो एक्स है, दो बार लिखना पड़ेगा एक्स एक्स, तो सबसे पहले आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर जो होता है आपका वो क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। देखो पैरामीटर ट्रायंगल जो होता है वो होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सारी साइड को क्या करते हैं हम सम करते हैं, जोड़ते हैं सबको, ठीक है ऑल साइड्स। तो इसमें देखें ना पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, तो हमारा वहां दे रखा है 4 होल 2/15, और इसे देखेंगे तो ये है आपका सम ऑफ, तो यानी कि एक्स प्लस एक्स प्लस क्या है तुम्हारा 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि दो साइड कौन सी आ गई आपकी, इक्वल साइड आ गई आइसोस्केल वाली, एक साइड बेस हमें दे रखा है, और ये 15 4 का कितना होता है 60 62/15, 2x + 4/3। अब क्या करेंगे, 4/3 उधर लेके आएंगे, तो 62/15 - 4/3 2x के बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15, तो 15 आएगा इनका एलसीएम। तो क्या करेंगे उसके बाद 15 या 62 सेम आएगा, इसको करेंगे 3 से 15 को डिवाइड, तो 5 बार 5 4 का कितना होता है आपका 20, एक 2x जैसा है वैसे रहने देंगे। अब इसको करेंगे तो 42/15 ये 2x, अब 42/15 इक्वल टू 2x दे रखा है, तू यहां पर क्या है मल्टीप्लाई का, तो इधर किस चला जाएगा डिवाइड का, 42/15 × 2x, तो 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 21/15x। अब देखो क्या होता है कि अगर ऊपर वाला न्यूमेरेटर जो होता है आपका और डिनोमिनेटर से क्या होता है बड़ा होता है, इसका नंबर जो आएगा वो होल नंबर में आएगा, किस तरीके से आएगा 15 को 21 से डिवाइड करेंगे, 15 × 15 = 6, जो रिमाइंडर होता है आपका वो कहां जाता है, वो सबसे ऊपर जिससे डिवाइड कर रहे हैं 15 यहां पर, और जितनी बार गया ये कहा जाएगा यहां पर। अब इसको क्या कर सकते हैं 3 × 2 = 3 5 सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2/5 ये आपका सेंटीमीटर,
यही आपकी इक्वल साइड सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। हम दोबारा सम ऑफ द टू नंबर्स, सबसे पहले लेट द नंबर एक्स, ठीक है, तो अदर नंबर अगर देखेंगे 82 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन एक्सीड बाय द अदर बाय 15, यानी एक जो है वो दूसरे से क्या है 15 बड़ा है, 15 का मतलब एक्स माइनस सॉरी प्लस 15, ये दूसरी डेट हो जाएगी तुम्हारा। अब सम ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर आपका तो एक्स प्लस 15 इक्वल टू कितना जाएगा आपका, यह जाएगा 95। देखिए 95 तो यहां जाएगा आपका, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई कितना होगा तुम्हारा, ये होगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। सॉल्व करेंगे 2x इक्वल टू 95 माइनस 15, तो 15 जब आएगा तो बच्चों किस तरीके से होगा, अब देखो ना 2x में से ये 80 आ जाएगा और अब x बराबर 80 बाई 2 40, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई बच्चों, 40 निकल के आई हमारी। अब सेकंड नंबर हम कैसे पता करेंगे, तो वो x प्लस 15, x आपका 40 प्लस 15 ये कितना आ जाएगा आपका 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू नंबर आर इन रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर। ये तो वो सबसे इजी क्वेश्चन है आपका कि लेट द नंबर, नंबर क्या है आपका x मान लें, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो दे रखा आपका ही, ठीक है, जब रेशियो दे रखा है तो क्या करेंगे इसको 5x रेशियो 2x। अब देखो रहा इफ दे डिफर, क्या बोल रहा है, डिफर बोल रहा है, डिफर का मतलब क्या होता है माइनस, तो माइनस क्या करेंगे 5x माइनस 2x इक्वल टू 18, ओके 5x में 12 से ऐड करो जाएगा 3x 18, x बराबर 18 डिवाइडेड बाय 3, x बराबर 6। अब देखो हमने x 6 नंबर माना था सिर्फ बस, अब देखो यार पहला नंबर हमारा क्या है 5x, दूसरा 2x, तो 5x कैसे निकालेंगे 5 × 6, तो पहला नंबर आपका कितना जाएगा 30, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका 2x 2 × 6 ये आपका जाएगा 12, ठीक है। अब देखें अगर जरा इसको हम अगर रीचेक भी कर सकते हैं, रीचेक कैसे कर सकते हैं, देखो यहां दे रखा है दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा है 18 आ रहा है आपका, यहां देखो तो देखो चेक, चेक किस तरह से कर सकते हैं, तो यहां पे दोनों नंबर लिख लो 30 − 12 और डिफर क्या आना चाहिए 18, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा आपका, ये भी 18 आएगा, ये भी 18 आएगा, तो ये आपका दोनों बराबर आते हैं, ये चेक भी हो जाएगा तुम्हारा आंसर जो ठीक है या गलत है।